सर इधर आ जाइए सर एक मिनट रुक हाँ इट्स अ रैप तो क्या कुछ विस्फोट होने वाला है आपकी तरफ से अगर आप कुछ बता सके कि बहुत कुछ विस्फोट होने वाला है कुछ बहुत स्पीड में हमने शूट किया है ये लाइटनिंग स्पीड में अक्टूबर 19th को स्टार्ट किया और ऑलरेडी रैप कर दिया है फरदीन का कमबैक है तो ऑलरेडी विस्फोट तो होने ही वाला है रितेश और फरदीन का कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो फैंटास्टिक मेरे एक्टर्स बहुत अच्छे थे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे थे तो फटाफट हो गया शूट तो यू विल सी बहुत किकास बहुत सुपर्ब स्क्रिप्ट और बहुत बहुत अच्छी शूट हुई है आज मैंने देखी एक रफ कट देखा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ थ्रिलर है अच्छा थ्रिलर एक दिन की कहानी है और क्या बॉम्बे सिटी में एक दिन में क्या क्या हो सकता है दैट मैडनेस क्रेजीनेस इट्स सुपर्ब वो अभी फिक्स नहीं है दैट आई थिंक मेरे प्रोड्यूसर्स आएंगे आप उनसे पूछ लेना बट सुन वो भी अभी आई डोंट थिंक दैट कॉल वी हैव टेकन क्योंकि अभी अभी तो ख़त्म हुई है बट जैसे जैसे अभी थिएटर्स खुल रहे हैं और वो डिसीजंस आई थिंक बिटवीन टी सीरीज़ और संजय गुप्ता लेंगे सो आई एम होपिंग के जल्दी बट जल्दी रिलीज होगी आई एम प्रीटी श्योर सर रितेश के साथ मैंने टोटल धमाल की है सो आई वर्कड विद हिम बिफोर और फरदीन के साथ मैंने बहुत समय पहले फिदा की थी जिसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर रहा था सो आई वर्कड विद बोथ ऑफ देम बिफोर और बहुत ज़्यादा मज़ा आया है लेकिन अदर देन देम ऑल्सो क्रिस्टल डिसूजा प्रिया बापट ये बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं फैंटास्टिक एक्टर्स सीमा बिस्वास है एंड सो जो लाइनअप है हमारे एक्टर्स का बहुत बहुत तगड़ा है और फैंटास्टिक एक्टर्स हैं सब यू नो एक एफर्ट इतना जाता है शूटिंग के वक्त और इतनी सारे प्रेशर में हम काम करते हैं स्पेशली ये स्पीड पे ब्रेक नेक स्पीड पे हमने काम किया था तो आई थिंक माय टीम और पूरी जो पिक्चर की टीम है दे रियली डिजर्व अ ग्रेट गुड पार्टी आई थिंक एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना डू टुडे आज आई थिंक आई होप दे पार्टी आउट यस थैंक यू सो मच सर रुके ना एक फोटो दे हाँ उधर ही सर सर बस सर इधर ही इधर ही थोड़ा पीछे सर यहाँ पर देखिए ओके लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड मैं ऐसे करता हूँ Thank you. Hi bro, how are you? You look very good. Let's start with Ajay. Yes, sir. Do you have a picture? Yes, one. Dibu, I saw you. Yeah, I also saw you. Oh, I saw you there. Thank you. Sir, here, here, here. Here, here. Sir, I'm from your phone now. Sir, here, here. Sir, here, here. Sir, here, both of you left side, who are you? सर वो तो फिर रुकिया सर लेफ्ट कौन है सर मैम सर अरुण 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 जल्दी लेट हो गया क्या विस्फोट होने वाला है वो जब फिल्म आएगी आप देखेंगे बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग स्क्रिप्ट फॉर द डायरेक्टर एंड ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब अच्छा काम किया है मैंने फिल्म का एक घंटा देखा है अभी तक एंड या और अगर आप पूछें किस चीज़ का विस्फोट है तो वो एक इमोशंस का विस्फोट है फिल्म के अंदर हमने सुना कि फरदीन की भी एंट्री हो रही है इस फिल्म के साथ जी जी
No, nothing. We're more than happy that we have an opportunity to work with Fardeen after his long hiatus. इतने साल उन्होंने पर्दे से दूर रहे हैं और अभी वापस आए हैं और हमारी फिल्म के साथ में हैं, तो हमको तो बहुत खुशी है एंड डेफिनेटली एक नया फरदीन खान देखेंगे। ये फिल्म थिएटर में हम देखेंगे या ओटीटी? अभी तक वो डिसीजन तो थिएटर का ही है। फिल्म तो हमने थिएटर के हिसाब से ही बनाई है, बट जस्ट जो माहौल है कोई भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जी, इट्स अ थ्रिलर। इट्स अ थ्रिलर सेट इन बॉम्बे सिटी एंड मुंबई इज द बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी। और कहानी में दो दुनिया हैं, एक पायलट है और एक टैक्सी ड्राइवर है, और उन दोनों की कैसे द वर्ल्ड्स कोलाइड। नहीं, रिलीज डेट अभी फिक्स नहीं है। थैंक यू अरुण। थैंक्स, थैंक यू। बहुत सारी लेफ्ट ओवर सर, सर यहाँ पे लेफ्ट साइड, सर यहाँ पे सर लोके सर ये लेफ्ट कॉर्नर सर मैम एक्सक्यूज वो तो सर यहाँ पे कॉर्नर में सर यहाँ पे काफी कुछ कम किया। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। एक ये ऐसी टीम है जिसके साथ मैंने पहले भी काम किया है। संजय के साथ मैंने एसिड फैक्ट्री में काम किया था, वो पिक्चर भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो और संजय को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बहुत सालों से। और कुकी के साथ भी मैंने पहले काम किया है, रितेश के साथ भी पहले काम किया है, तो एक कम्फर्ट लेवल अच्छा था। और मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई, कैरेक्टर बहुत पसंद आया, और एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैं पहले कभी किया नहीं हूँ, तो बहुत ही एक्साइटेड था कि मुझे ये मौका दिया गया है। एंड आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, और 11 साल के बाद काम करना भी कोई छोटी बात नहीं है। यू नो, इस टाइम में टाइम बहुत चेंज हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ढेरों सारे देख रहे हैं हम, सामने बराबर आपके मिस्टर जी यहाँ पर देखिए सामने क्रिस्टल लुक किया क्रिस्टल मैम सामने सामने एक मेरी तरफ से तो आई एम जस्ट हैविंग अ ब्लास्ट वाइल डूइंग द फिल्म, तो बड़ा मजा आया ये फिल्म करके। इट्स अ रैप फाइनली एंड वही सेलिब्रेट करने जा रहे हैं।
बड़ा मज़ा आया, बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट अंडरस्टैंडिंग लोग हैं एंड बहुत फ़नी भी है एक्चुअली. रितेश इज़ रियली फ़नी, फरदीन इज़ सो हार्ड वर्किंग, सो गुड, प्रिया इज़ अमेजिंग टू वर्क विथ. तो आई हैड अ स्टेलर कास्ट एंड कुकी सर वॉज लाइक द बेस्ट डायरेक्टर एवर. ये आपको देखना पड़ेगा विस्फोट में, अभी मैं जाके सेलिब्रेट करती हूँ. थ्रिलर 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 कांग्रेचुलेशन विस्फोट के लिए मैडम, प्लीज कम. एंड क्या कुछ विस्फोट होने वाला है अगर आप बता सके आपकी तरफ से, इस फिल्म की तरफ से? नहीं, आई थिंक विस्फोट एक बहुत ही इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है. ये विस्फोट है इमोशंस का, रिलेशनशिप का, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कुकी गुलाटी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, और मेरे सबसे अजीज़ दोस्त फरदीन खान इतने सालों बाद वापस आ रहे हैं हे बेबी के बाद, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है. संजय गुप्ता एज प्रोड्यूसर, उनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, एंड टी सीरीज लाइक होम प्रोडक्शन नाउ. मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है, और मैंने इस तरह का किरदार पहले नहीं निभाया, तो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग है. आई जस्ट विश द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट, एंड आई मीन व्हेन रितेश चूजेस समथिंग देयर आई एम ऑलवेज हिज चीयरलीडर. सो यस, ब्यूटीफुल आउटफिट भी आपका, लाइक डिफरेंट सूट्स है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप जनरली आप थिंक? कुछ नहीं यार, 10 साल पुराना जूता है, कबर्ड से निकाल के फिर से पहना. प्रिया मैम सो बता ना थैंक यू मैम.